जी हाँ जी, हमसे तो जी जी की जी हालत एक ही नहीं जा रही है, बेचारी हूँ ही कर पा रही है बस। इस बार तो वो जे भी नहीं बोल पाई, आगे जग्गू तू कितने दिन हो गए जीजा जी, अरे 2 ही दिन हुए अभी तो। 2 दिन हो गए और आप कह रहे हो बस 2 ही दिन हुए। आप क्या चाहते हो कितने दिन तक वो ऐसे पेटी रहे? हाँ अरे मेरा बस चले तो हाँ आज ही ठीक करा लाऊं, लेकिन वो फोटो का मामला है ना, कट भी नहीं लगा सकते। अब वो तो जैसे जैसे फेविक्विक का असर कम होगा वैसे वैसे ठीक होगी, मैं भी क्या कर सकता हूँ उसको। पर जीजा जी, हमसे जी जी की जी हालत देखी नहीं जा रही है। हाँ अच्छा तो तू जा रहा है फिर वापस? अरे नहीं जीजा जी, अब ट्रेन का टिकट लगा के थे, दूर से आया तो मैंने तो रुकेगा जीजा जी, कम महीने 2 महीने? लग रहे हैं आपको, आप बोलेंगे तो ज्यादा रुक जाएंगे। अब आपको तो पता ही है मैं तेरा बाल ब्रह्मचारी, गाँव में कौन है जो मेरा इंतजार कर रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तू अपने हिसाब से देख लेना, लेकिन तेरे बैग में तो 2-3 महीने के हिसाब से कपड़े दिख नहीं रहे। जीजा जी, जिसमें तो सिर्फ चड्डी बनियान है आपको पता है। बस हाँ तो आपके और मेरी साई जी जैसी है ना जीजा जी, आपके पहन लेंगे जे भी आपके ही पहने हुए हैं। हाँ, पहने पहने ही चला गया था पिछली बार। जी क्या हुआ, तो छोड़ के भी तो गया था मेरे कपड़े खुद। अरे तो उनमें बचा ही क्या था, सबने सूंघ सूंघ कर लेने से मना कर दिया था। उस बेचारे स्वीपर ने जोर से सूंघ लिया, यहीं बेहोश होकर गिर पड़ा, हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। 4 घंटे बाद होश आया था वो। हॉस्पिटल वालों ने पूछा कि क्या हुआ था, बताना पड़ा कि वो कपड़े सूंघ लिए थे। हॉस्पिटल वालों ने वो कपड़े मंगवा लिए। मैंने पूछा क्या करोगे तुम इन कपड़ों का, बोले सर हमारे मेजर ऑपरेशन में एनेस्थिया देने के काम आएंगे। अच्छा तू ये बता, तू करता क्या है जो तेरे कपड़े इतने सड़ जाते हैं? अरे जैसे आपको तो पता है बचपन से पानी से डर लगता है हम। मतलब तू नहाता नहीं है? अरे तू फिर आधे आधे घंटे तक वॉशरूम में क्या करता है तू? ड्राई क्लीन, मतलब नहाता ही नहीं है तू? अरे जीजा जी बताया ना पानी से डर लगता है यार। देख ले डब्बू, तभी मैं देखूं तेरे पहने हुए कपड़े, जब भी मैं पहनता हूं मेरी खुजली क्यों चलती है। एक बार तूने मेरी यूनिफॉर्म पहन के देखी थी ना, वो यूनिफॉर्म पहन के मैं कोर्ट चला गया, जज साहब के सामने मेरे इतनी जगह खुजली चली, जज साहब भी बोलने लगे या तो बोल लो या खुजला लो वकील साहब, कोऑर्डिनेशन बिगड़ रहा है दोनों चीजों का। वो तेरे हाथ जोड़ता हूं मैं, मेरे कपड़े मत पहनियो तू इस बार, है ना? नहीं पहनेंगे जीजा जी, 4-5 जोड़े दिला लाना आप हमें। अरे नहीं, मैं निकाल दूंगा 4-5 ड्रेस, बस तू उन्हीं को पहनियो, ठीक है? ठीक है जीजा जी, पर एक बात बताओ, आपने वो हॉस्पिटल वालों को मेरे कपड़े फ्री में दे दिए? अरे हाँ तो जीजा जी, आपने उनका एनेस्थीसिया का खर्चा बचाया, सेल करनी चाहिए थी उनको। अरे हाँ, ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया। अरे ला मेरा फोन दे ना डब्बू, मेरा फोन दे। फोन करके पूछता हूँ एक बार। हेलो, जुगाड़ हेलो हॉस्पिटल से मैं भयानिका, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? भैया, भयानिका जी, मैं एडवोकेट योगेन कुमार बोल रहा हूँ। आपको याद हो तो कुछ टाइम पहले मैं एक जोड़ी कपड़े देके आया था आपके हॉस्पिटल को एनिस्थीसिया के लिए। वो पैंट शर्ट? हाँ, वही वही वही। देखिए मैडम, अगर आपकी और डिमांड हो तो वो मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट मेरे घर पर ही है 2 महीने के लिए, तो मैं आपको और सप्लाई कर सकता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट? सर हॉस्पिटल वाले तो कब से ढूंढ रहे हैं आपको, आपके घर का एड्रेस बताइए। अच्छा, मतलब इस बार आप घर से ही पिकअप करवा लेंगे, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा लेकिन इस बार क्या है कि हम चार्ज करेंगे? अरे नहीं सर, वो लीगल नोटिस भिजवाना है। लीगल नोटिस? जी हाँ, क्यों? आपके उन कपड़ों को सूंघकर हमारे 2 पेशेंट कोमा में चले गए, और 2 पेशेंट इतने बेहोश हो गए कि फिर होश में ही नहीं आए, तो उनके अटेंडर्स ने हॉस्पिटल पर 4 करोड़ का हर्जाने का केस किया है। तो क्योंकि वो कपड़े आपके दिए थे तो 4 करोड़ हॉस्पिटल आपसे वसूल करेगा। 4 करोड़? 4 करोड़? देखिए मैडम, सबसे पहले तो आप अपने हॉस्पिटल का नाम चेंज कीजिए, जुगाड़ हॉस्पिटल। ये जुगाड़ कर करके है ना आपने लोगों को मारा है, और मैं कोई पैसे वैसे देने वाला नहीं हूं। इसे मेरी क्या गलती है, मैंने थोड़ी दिए थे, आपने मंगवाए थे वो कपड़े। रखिए फोन। लेकिन सर,
अरे कहाँ फंसवा दिया तूने? अरे आज जी आप कपड़े खुद देके आए थे वहां पे।